नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राणनाथ चंद्रा और मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हम एमएस आउटलुक में एक कैलेंडर को मेल में सेंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होता है, स्टार्ट बटन में जाइए और वहाँ से आउटलुक स्टार्ट कर लीजिए। आउटलुक स्टार्ट हो जाता है। आउटलुक स्टार्ट होने के बाद आपको अपने इस आउटलुक में अपनी ईमेल आईडी को ऐड करना होगा। ये सबसे पहला प्रोसेस है। तो आप अपने आउटलुक में अपना ईमेल आईडी ऐड कर लीजिए। अगर आपको ईमेल आईडी ऐड करना नहीं आता है तो आप मेरा एक और वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आउटलुक पे ईमेल आईडी ऐड करना सिखाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम एक मेल से कैलेंडर सेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दिखते हैं, मेल, कैलेंडर, कॉन्टेक्ट और टास्क। इसमें से आप मेल पे डबल क्लिक कीजिए तो आपके जो है मेल वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये अभी ओपन ही था। अगर आप कैलेंडर में हैं या कॉन्टेक्ट में हैं तो आप चले जाइए मेल पे। मेल पे आने के बाद आपको नया मेल सेंड करना है। तो देखिए न्यू दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए तो ये नया मेल ओपन हो गया आपके पास। अभी यहाँ पे आप जिसको मेल भेजना चाहते हैं वहां पे उसका ईमेल आईडी लिखिए टू मेल। जैसे कि मैं अपना ईमेल आईडी लिख देता हूँ, और ये देखिए मैंने अपना एक ईमेल आईडी लिख लिया है। अभी यहाँ पे सब्जेक्ट लिखिए, जिस सब्जेक्ट से आप मेल करना चाहते हैं। तो अपन लिखना कैलेंडर, कैलेंडर का टेस्ट कर रहे हैं तो लिख देता हूँ कैलेंडर का टेस्ट। अभी यहाँ पे आप कुछ और डिटेल लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, आपको बिल्कुल उसकी परमिशन है लिखने की। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेलो आई एम प्राणा चंद्रा, ठीक है। अब चलिए मैं आपको कैलेंडर इसमें अटैच करने का प्रोसेस बताता हूँ। कैलेंडर अटैच करने के लिए आपको जाना होगा कहाँ पे, इंसर्ट टैब में। ये देखिए इंसर्ट टैब दिख रहा है। इंसर्ट टैब में जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको एक ऑप्शन दिखता है कैलेंडर, आप कैलेंडर को क्लिक कीजिए। जैसे ही आप कैलेंडर को क्लिक करते हैं आपके सामने एक बॉक्स ओपन होता है यहाँ पे। ये देखिए कैलेंडर बाई डिफॉल्ट तो कैलेंडर रहता है, यहाँ पे होना भी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ से उस डेट को सिलेक्ट करना पड़ता है जिसे आप सेंड करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है डेट रेंज तो टुडे, अगर आप टुडे को सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ आज के एक दिन का डिटेल कैलेंडर सेंड करेगा। टुमारो सिलेक्ट करते हैं तो कल का डिटेल सेंड करेगा। नेक्स्ट 7 डे, नेक्स्ट 30 डे, होल कैलेंडर या स्पेसिफिक डेट। अगर इसमें से अगर आपको कोई सा भी डेट पसंद नहीं आता है, आप किसी पर्टिकुलर डेट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको स्पेसिफिक डेट में जाना होगा। तो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ अपन कर लेते हैं नेक्स्ट 30 डेज, ठीक है। सो टाइम विथ माय वर्किंग आवर ओनली। अगर मैं इसे चेक करता हूँ तो सिर्फ वर्किंग आवर ही शो करेगा। तो मैं अभी वर्किंग आवर नहीं, फुल डे की बात करते हैं और कर लेते हैं ओके। जैसे ही आप ओके करोगे कंटिन्यू, और ये देखिए हम लोगों का कैलेंडर मेल में अटैच हो चुका है। हमने नेक्स्ट 30 डे की बात की थी तो आज देखिए 17 नवंबर है। तो 17 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक 30 डे हो रहा है और 30 डे की पूरी डिटेल इसमें ऐड हो चुकी है। डेट तो इसमें बाकी भी है पर वो क्या है, वो ब्लर है, वो विजुअल नहीं है। और जो 30 डेज है आज से लेकर के नेक्स्ट 30 डेज तक, वो देखिए वो विजुअल है और बाकी सारे डेज क्या है, ब्लर है। अभी यहाँ पे देखिए कुछ और डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि ये कैलेंडर प्राणनाथ चंद्रा द्वारा भेजा जा रहा है और कहाँ से भेजा जा रहा है। ये ईमेल आईडी है जो आप अपने आउटलुक में ऐड करके रखे हैं। कब भेजा जा रहा है ये यहाँ पे है। टाइम जोन, किस टाइम जोन से भेजा जा रहा है, देखिए टाइम जोन का भी डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कुछ सिंबल दिए गए, ये कलर बीजी का है, ये जो कलर दिखेगा आपको टेंटेटिव का है, ये आउट ऑफ ऑफिस, ये फ्री टाइम का है, ये आउटसाइड ऑफ वर्किंग आवर्स का है, ठीक है। और उसी कलर के हिसाब से ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 17 का डिटेल, 17 टू 18 नवंबर का ऑल डे फ्री। देखिए यहाँ इस टाइम पे फ्री दिखा रही, इस टाइम पे फ्री दिखा रही, इस टाइम पे फ्री, और आगे भी आपको इस टाइप के डिटेल मिलते रहेंगे पूरे 30 डेज के, ठीक है। तो ये तो थे डिटेल।
अभी यहाँ पे अगर आप किसी डेट पे अपॉइंटमेंट सेट करके रखते हैं तो वहां पे ये फ्री के जगह पे बीजी शो करेगा। ये जैसे कि ये कलर आपको एक कलर दिखाई देगा, यहाँ पे बीजी लिखा हुआ मिलेगा। अब कैलेंडर अटैच करने के बाद आपको करना है इस कैलेंडर को सेंड करना। तो ये देखिए सेंड का बटन दिख रहा है, आप इस सेंड के बटन को दबाइए तो ये कैलेंडर क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट फोल्डर वो उस पर्टिकुलर पर्सन को सेंड हो जाएगा जिसका आपने ईमेल एड्रेस आईडी वहां पे इंसर्ट कराया था। तो ये तो थी कि पूरा प्रोसेस कि कैसे हम आउटलुक में किसी को मेल के जरिए कैलेंडर सेंड कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को एक सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।